चले केतु लिखे, केतु है क्या? केतु एंडिंग है, केतु ऑब्स्टेकल्स हैं, केतु ब्रेकेजेस हैं, और केतु से रिलेटेड ही जो प्लेनेट देवता हैं वो हैं गणेश, विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणनाथ, प्रथम निमंत्रण आपको पूरन कीजिए काज, बोलते हैं हम लोग। इतना ही नहीं है, जब कोई लीडर किसी जगह पे आ रहा होता है तो उसके पहले एक ट्राइंगल शेप की कुछ लगाते हैं, बड़े बड़े उनके जो लगे होते हैं रेड कलर का लगाते हैं। कोई भी आपका शुभ कर्म होगा, कोई भी शुभ काम होगा, वहां पे जो एक झंडा नहीं लगा जाता है ट्राइंगल कलर का, ट्राइंगल कलर का, ट्राइंगल कलर का, आप देखे होगे पूरी झंडी लगती है ऐसे, कागज की बनी होती है वो, ट्राइंगल ट्राइंगल शेप होता है वो, किस लिए है? भैया गणेश जी आपको मैंने यहाँ बिठा दिया, केतु हर प्रॉब्लम का समस्या है, किसी भी तरह की समस्या केतु है, किसी भी तरह की ब्रेकेजेस केतु है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम केतु है। हाँ बोलो, क्लास ले रहे हैं बाद की। तो केतु जो है ना वो हर तरह का रुकावट है। अगर आपकी लाइफ में कोई रुकावट आ रही है, इसका मतलब केतु का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बिना केतु के सपोर्ट के रुकावट आ ही नहीं सकती। करना क्या है रेमेडी? पहली रेमेडी ये कि भाई जो उनसे रिलेटेड अच्छे देवता है उनको फॉलो करना चालू करो, गणेश को पकड़ो सबसे पहले, वो आपकी कुछ ना कुछ समस्या का समाधान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट राशियों में क्या प्रेडिक्शन आती है केतु? अगर मेष में बैठा, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहां मैं पढ़ा रहा हूं आपको जरूर, लेकिन जो आपको पीडीएफ दिया है उससे एक बार गो थ्रू जरूर होना, ठीक है, प्रॉपर होमवर्क करके आया करो। और वो मैंने जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा काम मैंने पीडीएफ में कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है अगर इरिस में है, क्योंकि ब्रेकेजेस है, प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग है, सब जो है वो केतु। तो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? हेड पार्ट में आ सकती है, माइग्रेन इश्यूज हो सकते हैं। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट भी केतु हैं। एक नंबर राशि मंगल की राशि है, यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, फेम की राशि है, रेपुटेशन की राशि है। यहाँ पे अगर केतु बैठता है तो आपके नानी या मैटरनल जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनका भले ही एक कस्बा हो, भले ही एक गांव हो, लेकिन उनका रिकग्निशन होगा कुछ ना कुछ, लोग उनको दूर से ही जानते होंगे। मेरा केतु एरी साइन में है, ठीक है, अब अच्छे नाम की वजह से जानेंगे कि खराब नाम की वजह से जानेंगे ये अलग चीज हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ रेपुटेशन होता है, स्मॉल एरिया में लोग उनको जानते हैं और वो वहां के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जिनका एरीस में केतु होगा, जिनका एरीस में केतु हो। कुछ लोग हनुमान जी की पूजन करते हैं जिनका केतु एरिस में होता है, क्योंकि उपासना की जो पद्धति है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो रिप्रेजेंटेट करता है केतु, और मेष राशि में बैठा है इसलिए हनुमान जी से कनेक्टेड पूजा पाठ या उनके अपने रिचुअल्स हो सकते, ठीक है। और एक चीज मैं यहां पे बताऊंगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निकलने के लिए, सेवियर होने के लिए या प्रोटेक्शन लेने के लिए, क्योंकि अब अगर केतु को आप देखो, केतु क्या है? ब्रेकेजेस है। केतु क्या है? प्रॉब्लम है। केतु क्या है? ऑब्स्टेकल्स है। केतु क्या है? एंडिंग है। केतु क्या है? मतलब हर तरह की समस्या को खत्म करना जड़ से। अभी कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब जो थोड़े से भाजपा के विरोधी हैं वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबी खत्म नहीं करना चाहते, गरीब खत्म करना चाहते हैं। ऐसी मेंटेलिटी लोग कर रहे हैं, बोलते हैं ऐसा, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या? केतु खत्म करना चाहता है। अगर कभी ऐसी स्थिति बन पड़े आपकी, तो वहां पे अगर एरिस में केतु है तो आप हनुमान जी के अगर शरण में चले जाओगे तो समस्या का समाधान डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, और वो भी तब जब आपके काम रुक रहे हों, अड़चने आ रही हों, बाधाएं आ रही हों, प्रॉब्लम्स आ रहे हों, उस केस में केतु जिस राशि में होगा उस देवता की हेल्प लेने से केतु के बल में कमी आ जाएगी। दूसरी बात, शास्त्र में ऐसा बोला गया है कि केतु का जो रिजल्ट है, शनिवत राहु कुजवत केतु, पराशरी ज्योतिष अगर आप पढ़ोगे वहां पे बोला जाता है कि राहु मंगल की तरह रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु के अंदर एग्रेशन है
और केतु मार्स की तरह रिजल्ट देता है। तो यहां पे अगर केतु बैठा है तो अपने घर का माना जाता है केतु। तो इस केस में मंगल से कनेक्ट है केतु तो आपके चार्ट में अच्छा है, और अगर आपसे पंगा क्रिएट कर रहा है तो उसके एनवायरमेंट को सही कर दीजिए। एक नंबर राशि से रिलेटेड जो देवता है हनुमान जी उनकी आराधना करने लग जाएगी, कार्तिकेय भगवान की आराधना करने लग जाएगी। ये दोनों सुप्रीम पावर हैं, कार्तिकेय भगवान और हनुमान जी। कार्तिकेय भगवान को देवताओं का सेनापति बोला जाता है, अगर आपको पता होगा, तो वो भी सुप्रीम पावर हो गई। और हनुमान जी तो सभी के सुप्रीम पावर हैं, तो हनुमान जी तो उस समय भी उपस्थित थे, उनके मतलब माँ दुर्गा के भी रथ में उपस्थित थे जब वो ये महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप धारण किया था माँ दुर्गा ने, और जब उनके रक्त बीज का वध कर रही थी तब भी हनुमान थे वहां। हनुमान तो आदि देवता है, ठीक है। तो हनुमान जी की आराधना करने से ब्रेक जेस, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम सब दूर हो जाए। केतु आपकी रिसर्चल एबिलिटी को भी रिप्रेजेंटेट करता है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो सेक्रेटिव चीजें हैं वो केतु रिप्रेजेंटेट करता है। इसलिए केतु जब भी एरिस साइन में बैठा होता है तो आपको इन चीजों से रिलेटेड बहुत सेक्रेटिव होता है, अपनी गोपनीयताओं को किसी के सामने प्रदर्शित मत करिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का राशि मानी जाती है, एक नंबर राशि। आपकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज इधर उधर नहीं जानी चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, उनकी गोपनीयता बहुत रखनी है। आजकल एक बार बार हम सबके पास मैसेज या कॉल आती है कि अपना एटीएम नंबर, अपना पिन कोड, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, और ये बात उनके लिए 100% एप्लीकेबल हो जाती है जिनके चार्ट में केतु एक नंबर राशि में बैठे। मैं यहां तक प्रेडिक्शंस करता हूं क्योंकि केतु शक भी देता है, केतु शक भी देता है। मतलब आपने ये सोचा कि मैं मेरे मित्र को, मैं मेरे भाई को, मैं मेरे कजिन को ये बात बता रहा हूं, ये ओटीपी बता दे रहा हूं, या मैं अपने एटीएम का पिन दे दे रहा हूं, कल को फ्रॉड किसी और ने कर दिया, लेकिन आपका जो शक है वो उसी पे जाएगा जिसको आपने शेयर किया। इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप किसी को अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड बता देते हो, आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, और हो सकता है उस व्यक्ति ने किया भी ना हो, फिर भी आप पूरी जिंदगी उसको ब्लेम करते रहते हो या उस पर शक करते रहते हो, संदेह करते रहते हो। और यही काम बाली ने किया था। बाली का नाम पता होगा, वो जब अपने शासन में था तो उसके पास एक कोई राक्षस आया, उसने उसका बाली का आह्वान किया और बाली गदा उठा करके उसको मारने के लिए चला गया। युद्ध 3-4 महीना चला, सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। लास्ट में सुग्रीव ने सुना कि भाई बाली, मतलब एक बहुत बड़ी चीत्कार आई जब वो मरने लगा, बाली जब उसको मारने लगा, तो जैसा लक्ष्मण के साथ हुआ था जब सीता का हरण करने रावण आया था, तो मरीच ने रूप धारण कर लिया था ना, मरीच ने हिरण का रूप धारण किया था। तो जब लक्ष्मण जी हिरण के पीछे दौड़े हिरण को पकड़ने के लिए, हिरण का जब वध किया, तो जब हिरण ने देखा कि हम मरने वाले हैं, तो उसने भगवान श्री राम की आवाज निकाल दी, या समझे आप। तो फिर मतलब सॉरी, राम जी जब गए हिरण को पकड़ने के लिए, तो जब हिरण को राम ने, भगवान श्री राम ने मार दिया, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे प्राण संकट में, ऐसा मरीच चिल्लाने लगा राम जी की आवाज में। तो फिर उसी को तो सुन करके सीता ने भेजा उनके पीछे कि भाई जाओ पता करो, तुम्हारे देखो भैया के प्राण संकट में, तुम यहाँ बैठे हो, तभी उनका हरण हुआ। यही सेम सिचुएशन हुई थी सुग्रीव के, बाली के साथ में, कि जब बाली ने उसका राक्षस का, दानव का जब वो वध करने चला, तो उस दानव ने बाली की आवाज में बहुत तेज गर्जना करी, तो सुग्रीव को ऐसा लगा कि हमारे बड़े भैया नहीं रहे, तो जब हम, जो हमारे बड़े भाई को खत्म कर सकता है, मार सकता है, वो हमारी जो है वो पूरी की कुछ भी कर सकता है वो, तो वो वहां पे बड़ा पत्थर लगा के, चट्टान वाला, वहां पे चले आए थे सुग्रीव जी। और जब उन्होंने आप सारे सिचुएशन बताई तो उनको राजा बना दिया गया। तो बाद में जब बाली आया, बाली ने सिचुएशन को समझा नहीं, चीजों को समझा नहीं, और उन्होंने अपने भाई पर ब्लेम देना चालू किया और मार पीट के सब कुछ करके घर से बाहर भगा दिया। हुआ था ऐसा, मैथोलॉजी स्टोरी तो पता होगी आपसे, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनती है जब केतु एरिस साइन में। मैं बोल रहा हूँ गोपनीयता रखो, इसलिए नहीं कि हमारा बॉस सगा जान जाए,
इसलिए भी कि कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम शक इसी पे करेंगे, और मैं नहीं करता हूं। मैं अगर किसी को बता, मेरा भी केतु एरिस में है, मैं अगर किसी को कोई चीज बता भी दिया, एटीएम का पिन भी दे दिया, कुछ भी कर दिया, मैं चेंज करता हूं। इसलिए नहीं चेंज करता हूं कि इस पर्सन पर मेरे को बिलीव नहीं है। इवन मैं इसलिए चेंज करता हूं कि फ्रॉड कोई और करेगा, ब्लेम हम इसको करेंगे, शक हम इसके ऊपर, क्योंकि केतु शक भी करवाता है। इसीलिए जिनके चार्ट्स में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बना होता है और वो फीमेल हो तो अपने पति पर शक बहुत जल्दी कर लेती है, और वीनस केतु का कॉम्बिनेशन बना हो और कोई मेल हो तो अपनी पत्नी पर बहुत जल्दी शक करता है। कोई कुछ भी बता देगा तो वो शक कर लेगा तुरंत, ठीक है। तो ऐसा कोई काम ही मत होने दीजिए कि आप एक संदेह की कैटेगरी में जाओ। मैं नहीं देता हूं यूजली मेरा एटीएम किसी को, मैं नहीं बताता हूं किसी को मेरा पासवर्ड क्या है क्या है। कोई जान जाता है तो मैं कोशिश करता हूं उसको चेंज कर दूं, मेरे को उससे इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन कल को प्रॉब्लम खड़ी हो उस बात। समझ रहे हैं, आगे बढ़े। टॉरस, अगर केतु टॉरस में होगा तो टॉरस क्या है, गला। टॉरस क्या है, वीनस का प्लेनेट है, इन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंट और रेगुलरिटी, इन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है। केतु जैसा अगर प्लेनेट यहाँ पे बैठता है तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, इन चीजों पर हो सकती है, इन रेगुलर मूवमेंट हो सकता है। आप जब कोई चीज लगातार करने की कोशिश करो, जब आप चीज कोई फ्लो में आने की कोशिश हो और केतु जैसा ग्रह वहां पे खराब सिचुएशन निभाए तो आपके काम जब जब फ्लो में आने का मूड बनेगा तब तक आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे से। और प्रेडिक्शन लिखिए, टॉन्सिल्स के इश्यूज हो सकते हैं, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। राहु केतु जहां जाते हैं प्रॉब्लम ही देते हैं, बस राहु कॉज पता नहीं होने देता, कारण नहीं पता चलने देता, कारण नहीं पता चलने। और केतु संदेह में व्यक्ति को लेके चला जाए। अब किसी के केतु दूसरे राशि में पड़ा हो, उसको कोई कह दे भैया मेरे यहाँ पे कुछ लग रहा है गिल्टी विल्टी हो, और कोई धीरे से जाके बोल दे भैया गले का कैंसर भी होता है, वो उसी समय मरने की पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा इमीडिएट। इसलिए आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम गले से रिलेटेड हो, केतु एक नंबर में बैठा है, सर से रिलेटेड हो, तो आप उसका तुरंत ही समाधान करो, क्योंकि केतु फिर सर्जरी भी है। वीनस जैसा ग्रह में जब केतु बैठता है, केतु है क्या, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, और शुक्र कैस किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है, चमक को, सुंदरता को, तो मे बी प्रोबेबिलिटी आपके ग्रैंड पेरेंट्स सुंदर हो, फाइनेंशियल स्टेबल हो, फैमिली अच्छी हो, रेपुटेटेड हो ना हो लेकिन वेल्थ अच्छी हो, या कम से कम वेल्थ की एक्सपेक्टेशन तो करें ही करें। और केतु जब दो नंबर राशि में जाता है तो यहाँ पे व्यक्ति के पास जिसके चार्ट में केतु दो नंबर राशि में जाएगा, वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ की तरफ जा सकता है, उसको अपनी एसआईपी के थ्रू सेविंग्स जरूर करनी चाहिए। मतलब हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये पोजीशन उन्हीं के लिए, ये सिचुएशन उन्हीं के लिए है जिनका केतु एक नंबर राशि में बैठे। अब देखो मेरे मेरा ही तो मन है, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो बेसिक में तो मैं ये सब पढ़ा चुका हूं। जब मैं आपसे कोई चीज बोल रहा हूं तो बहुत तथ्यात्मक चीजें बोल रहा हूं कि मेरे आगे मेरे को पढ़ानी है वो चीजें जो आपके डाउट, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये चीज नहीं पढ़ाई है, पढ़ाई है, इन चीजों से गो थ्रू नहीं हुआ हूं, एडिशनल चीजें बता रहा हूं। नहीं तो एक काम कर सकते हो, आप मेरे से पूछते रहो 20 क्लास तक, हम सब आंसर कर देंगे,
दूसरा एक रास्ता और भी है, पूछते ही रहो केवल मेरे से, क्वेश्चन कर लो, आंसर ले लो मेरे से, पढ़ा तो मैंने वैसे भी सब दिया, दो चार सेशंस कर लेंगे आपका मन होगा तो, पैसा दियो ना खरीदे हो मेरे को कर लो भाई, 20 क्लास को कैसे यूटिलाइज करना है वो आप डिसाइड कर लो, हम बैठे हैं, पर नहीं तो मेरे हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लो, दो ही चीजें होंगी, तीसरी चीज होगी तो आपको भी दिक्कत होगी हमें भी दिक्कत होगी, क्वेश्चंस आप खूब पूछो, डाउट्स खूब पूछो, लेकिन आगे आगे मत पूछो, जहां पढ़ाया जो पढ़ाया उससे, और अगर मैं कह रहा हूं वेट करो तो फिर वेट सच में करो। जेमिनाई 3 नंबर, कॉन्फिडेंट है, 3 नंबर राशि के पास कॉन्फिडेंट बहुत है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी। 3 नंबर राशि में जब केतु जैसा ग्रह बैठता है तो शोल्डर्स भी आपके, हैंड्स भी आपके 3 नंबर राशि, तो शोल्डर वगैरह में दिक्कत हो सकती है, रिप्स में दिक्कत हो सकती है, तो यहां तक प्रोबेबिलिटी है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स लोकल लीडर्स हो सकते, और अगर लीडर नहीं है तो कहीं झगड़ा होगा तो सुलह के लिए आपके उन्हीं को बुलाया जाएगा, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को, कि भैया आप जो कहो वही हम मान लेंगे, कम से कम इतना तो होगा, तो इसको भी लीडर ही कहेंगे, या चले ना चले फिर भी लीडरशिप अपनी झाड़ेंगे वहां पर, ठीक है, तो ये भी हो सकता। दूसरी बात, जिनके चार्ट में केतु का कॉम्बिनेशन होता है, जेमिनी में होता है, मीडिया पर्सनालिटी हो सकते हैं ये लोग, कौन, नाना या नानी, और लोग उनसे एडवाइस लेने के लिए आए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, और ये आपके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई परेशानी में होगा, समस्या में होगा, दुविधा में होगा, दुविधा तो राहु देता है, कंफ्यूजन राहु देता है, कोई काम चलते चलते रुक गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, जो चीज चाह रहे हैं वो कंटिन्यू हो नहीं पा रही है, ब्रेकेजेस आ रहे हैं, तो उस केस में आपसे वो सॉल्यूशन लेने के लिए आ सकते हैं। कैंसर, अब टॉरस में उपासना किसकी कर सकते हो, किसी देवी की, दुर्गा की, ऐसी किसी देवी की जिसने वीपन्स उठाए हो, क्योंकि केतु वीपन है, धारदार तलवार है, अब यहां पे लक्ष्मी जी की आराधना करने बैठोगे तो प्रॉब्लम होगी भाई, मदद तो उससे मांगने जाओगे ना जो खुद वही वीपन से लेके बैठा हो, तो केतु जब जिस राशि में जाएगा उस देवता को पकड़ना उस राशि के अकॉर्डिंग, बट उसके पास वीपन होना चाहिए। नुकीला कुछ होना चाहिए, तो तलवार किसके पास है, दुर्गा जी के पास, पार्वती जी की नहीं कर सकते, लक्ष्मी की नहीं कर सकते, ठीक है, वीपन वाले देवता को पकड़ना पड़ेगा। आगे जेमिनी में है तो जेमिनी का संबंध किससे है, बुध का संबंध किससे, भगवान नारायण से, तो उनके पास तो चक्र है वैसे भी, ठीक है। कैंसर, प्रॉब्लम इन लंग्स, चेस्टन पार्ट होता है कैंसर, हार्ट में, ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ एलर्जीज हो सकती हैं, जिन फीमेल्स के चार्ट में केतु 4 नंबर राशि में बैठा हो, आपने प्रॉब्लम सुनी होगी कि ब्रेस्ट कैंसर, और उसका निर्माण होता है कि बच्चा अगर आपका जन्म लिया और वो प्रॉपर दूध नहीं पी पाया और वहां पे कुछ दूध का तत्व रह गया, जम गया, अगर वो धीरे धीरे गांठ बनती है, फिर वो कैंसर में डेवलप हो जाता। तो अगर कभी ऐसे सिचुएशन बने, बच्चा हुआ है आपको, तो 5-6 महीने के अंदर अंदर एक एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए, ये एडवाइस है। बाकी मैं कॉम्बिनेशन भी आपको आगे बताऊंगा कि कैंसरस को देखा कैसे जाता है, आगे बताऊंगा, मतलब लास्ट की क्लासेस में पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको इन जनरल एक फॉर्मूला दिया है, अभी ये एप्लीकेबल होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा।
आगे लिखिए। इसमें भी बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत हो सकती है और ऐसा लगेगा दूध रुक रुक के आ रहा है। ग्रैंड पेरेंट आपके अपने लोकेशन को छोड़ के कहीं और सेटल हो सकते हैं अगर केतु चार नंबर राशि में। केतु अगर चार नंबर राशि में बैठा होगा तो ग्रैंड पेरेंट्स आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स अपनी लोकेशन को अपने एरिया को छोड़ के कहीं और भी सेटल्ड हो सकते हैं। ठीक है, चौथा भाव केयरिंग का है। रिस्पेक्ट का है। चौथी राशि भी इन्हीं सब चीजों को एसेंशियल प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे एक रेमेडी बनती है कि अगर आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो और अगर वो जीवित हो तो उनकी एसेंशियल चीजों में आपको हेल्प करनी चाहिए। जो बहुत जरूरी चीज हो उसी में। ये रेमेडी हो गई। उपाय एक्चुअल में अलग से नहीं करने होते। जिनके साथ आपके संबंध है ना, उनके साथ आप अपने प्लेनेट को देख के उपाय कर सकते हो। लियो में लिख लो, स्टमक में, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पॉन्डाइलिसिस, स्टमक से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है अगर पांच नंबर राशि में केतु है तो। नहीं तो वो कब आपको डेंजर सिचुएशन में लेके जाएगा आपको खुद नहीं बताओ। एक बात आपको बहुत बड़ी बताऊंगा, व्यक्ति कि अगर कोई रोग क्रॉनिक होता है तो दो चीजों से ही होता है, या तो वो उसको सीरियस नहीं लेता है। भाई आज आपको अगर किडनी इश्यूज हो गया है तो उसके पहले उसके सिम्टम्स आए होंगे। यूजली जो कारक होता है क्या होता है भाई, जब आपको सुगर ज्यादा हो जाएगी, किसी तरह का इन्फेक्शन कब होगा, पीलिया जब होता है ना किसी को, उसके बाद किडनी पर बहुत बड़ा इफेक्ट जा सकता है। पीलिया मतलब पता है ना, इंग्लिश पता है, बड़े सीरियस होके बैठे हैं सारे आज। एक्चुअल में मेरा किसी को डांटने का मतलब नहीं होता है, ना मैं ऐसा बोलता हूँ। आपके बोल के मैं 10 लोगों को और साइलेंट कर रहा होता हूँ कि जो आपकी आड़ में 50 व्यर्थ के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी आड़ में मैं वो बातें बोल के वो जो और ज्यादा कुछ आग आवाज उठने वाली है उसको दबा देता हूँ मैं तुरंत, कि भाई जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है वही पूछो, फालतू के क्वेश्चंस नहीं होंगे। और उसका कारण ये है कि भाई हमें एक डिसिप्लिन भी चाहिए क्लास में, और वो कभी कभी जरूरी भी होता है। और हम आपको ऐसे मीठी मीठी गोली देते रहेंगे, बच्चों की तरह ट्रीट करते रहेंगे, तो फिर आप सर पे चढ़ जाओगे तो हमें दिक्कत होगी फिर।
तो फिर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे वो डिसिप्लिन जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो सीरियस होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा था कि दो तरह से डिसीज बढ़ती हैं। कब बढ़ती हैं? पहला कारण क्या होगा, आप उसको लेकर के अवेयर नहीं होगे, तब प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अगर आपका केतु जिस राशि में बैठा है उस प्रपोर्शन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको वहां पे डिले नहीं करना है, उसको लेट गो सिचुएशन में नहीं लेके जाना है, उसको एवी नहीं छोड़ देना है, उस पर बहुत ध्यान देना है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाए। केतु अगर नहीं बैठा है वहां पे तो आप उसको एक बार लेट गो सिचुएशन में डाल भी सकते हो, लेकिन अगर केतु वहां पे बैठा है तो फिर लेट गो सिचुएशन में नहीं जाना है वहां। तो केतु किस राशि में बैठा उससे आपको, अगर मान लो तीन में बैठा है, शोल्डर में कोई दिक्कत आ रही है, आप जरूर चेक कराइए। और MRI जो होती है, MRI क्या करती है, MRI आपके उसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन पे ही काम करती है। यहाँ पे MRI ही बनता है, एक्सरे और सिटी स्कैन बहुत ऊपर की चीजें होती हैं। बात समझ रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने लिखा है भैया कि इस MRI करवा लो, सिटी स्कैन में कोई रिपोर्ट नहीं, हम छोड़ देते हैं कि भाई पैसे ज्यादा लग जाएंगे। आजकल तो लोग जो बहुत सिंसियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवा लेते हैं, तो वो तो कुछ भी करा सकते। लेकिन इन जनरल क्लाइंट क्या करता है, इन जनरल लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे प्लेनेट इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये दो ग्रह जहां पे बैठे हैं राहु केतु और जिस राशि में बैठे हैं उस चीज को लेकर के अगर आप सिंसियर नहीं हो, सीरियस नहीं हो और उसको लेकर लेट गो मूड में चले गए तो पूरी जिंदगी नष्ट कर देंगे ये दो गुण। राहु पता है बेड से नहीं उठने देता है और केतु मुक्त कर देता है। जब तक बेड खत्म नहीं कर दोगे ना तब तक मुक्ति नहीं, जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक वो रोग आपके साथ टिका रहेगा। तो लापरवाही करता करवाता है केतु और राहु भ्रम में रखता है, होगा कुछ, आप कुछ और कॉन्सिक्वेंस में चले गए, किसी ने बोल दिया अरे आजकल हो ही जाता है सबके साथ है, आप अब उसकी बात सुनने लग गए। नहीं समझ आई बात? अब आपके मान लो फोर्थ राशि में राहु बैठा है और आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको लग रहा है भाई कुछ ना कुछ हमें एडवाइस ले लेना चाहिए और आप सोच रहे हो भाई डॉक्टर के पास जाएं कि ना जाएं। अब दो आदमी आपके पास आ गए, अरे गैस होती है ना यहाँ पे, गैस बन जाती है, ये गोली खाओ वो गोली खाओ, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे इमीडिएट जाना होता क्योंकि राहु इमीडिएट प्लेनेट है, इमीडिएट जाइए। और केतु के केस में बहुत डिटेल लेवल पर कराइए, सब करवा लीजिए इमीडिएट, नहीं तो छोटी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाएगी ना कि फिर वहां पे कुंडली अलग चीज हो गई। कुछ चीजें प्रारब्ध तय नहीं करता है, कुछ चीजें हम ही आप तय कर लेते, और ये चीज केवल हेल्थ के लिए नहीं है, ये चीज हर चीज के लिए। नहीं समझ आया? फोर्थ हाउस है, केतु बैठा है चौथे भाव में और आपको लग रहा है भाई ब्रेक सही नहीं लग रहा है, ब्रेक में कुछ ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ बीच बीच में रुक जा रही है, स्टेयरिंग सही नहीं चल रही, ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा, तो वो बहुत बड़ी समस्या को भी आमंत्रण कर देगी अगर आप उसको लेके सिंसियर नहीं। और लोग क्या करते हैं, लेट गो मूड में चले जाते। और आपको फिर पता है केतु क्या है, केतु खाई है और फिर अब पहाड़ पे गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है। नहीं समझ आ रही बात? ये केवल आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही चीजों को रिप्रेजेंटेट नहीं कर रहा है, ये आपकी हर एक उस चीज को रिप्रेजेंटेट कर रहा है जिस राशि में प्लेनेट बैठ। अब उस राशि से रिलेटेड क्या पर्सन है, क्या प्लेस है, क्या थिंग है, उसको आप देख सकते हो। एक काम मैं और करूंगा, आप में से केपी कौन कौन कर रहे हैं, हाथ उठाओ, क्योंकि उसमें तो मैं सबको ही दूंगा PDF, रहने तो रहना नीचे कर लो, ऐसा ना हो मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसमें तो मैं सब देता ही हूँ, पर्सन का, प्लेस का और थिंग की, पूरी राशि के सारे एट्रीब्यूट, इस जो पढ़ाया उससे 90% डिफरेंट होते हैं, ठीक है।
मैं कुछ ऐसा करूंगा, एक क्लास ऐसी अरेंज करूंगा या जब उसमें पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा वो वीडियो आपको भी दूं, ठीक है? तो उससे आपको एक क्लैरिटी और हो जाएगी कि राशियां और किन किन चीजों को और किन प्लेस को, पर्सन को और थिंग को कैसे देखोगे, वो आपको पता चल जाएगा। तो और क्लैरिटी हो जाएगी जब प्लैनेट को आप वहां पे डाल रहे हो। और जो केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए वरदान होने वाला है, वो चिंता ना करें। बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा जो भी मेरे एंड से होगा, ठीक है? इतना हम आपकी हेल्प कर दें। तो उसमें पर्सन क्या होता है, केतु से रिलेटेड लोग, एरिस से रिलेटेड पर्सन कौन है, और इतनी बड़ी स्क्रिप्ट मिलेगी, कम से कम 10-5 लाइनें होंगी उसमें लिखी। उससे रिलेटेड प्लेस क्या है, उससे रिलेटेड पर्सन क्या है और उससे रिलेटेड थिंग्स क्या है, वो सब लिखी होगी उसमें। इन इन चीजों में प्रॉब्लम होगी केतु बैठेगा तो, कि बंबू होगा, घर की क्या होगी, वॉल होगी तो क्या होगा, राशि के अकॉर्डिंग होगा, हाउसेस के अकॉर्डिंग होगा और प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी होगा, वो उसी में पढ़ते हैं। और बाकी जितनी मैं हेल्प कर पाऊंगा मैक्सिमम आपकी कर दूंगा, ठीक है? तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये केतु जहां बैठा है तो वहां पे रुकना नहीं, एक एक्सरे करा के, दो एक्सरे करा के, जब तक उसकी फाइन ट्यून आपके सामने पूरी की पूरी कुंडली खुल के ना आ जाए। और राहु अगर बैठा है और कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वहां भी आपको भागना नहीं है, थोड़ी रेमेडी कर लो, भगवान से प्रार्थना भी करो साथ में, तब उन चीज के सोल्यूशन एग्जैक्ट निकल आएंगे। वर्गों में अगर है, वर्गों में अगर केतु बैठा है और यहां पे लियो में भी आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स अगर लियो में भी है तो भी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आपके थोड़े से रेपुटेटेड वाले हो सकते हैं, या पॉलिटिकल कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, या लोगों के काम जरूर आते होंगे किसी ना किसी विभाग से। थोड़ा सा यार इधर कर रहा, हमारा भी ध्यान नहीं यार। वर्गो लार्ज इंटेंस, पैनक्रियाज इशू, लीवर में प्रॉब्लम, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मर्करी जो साइन है वो ग्रीनरी को रिप्रेजेंटेट करता है, और एस पर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है वो, इनसे उनका कोई संबंध हो सकता है, फार्मिंग लैंड हो सकती है। मैंने 3-4 ऑर्गन्स का नाम लिया, वर्गो साइन से रिलेटेड जो चीजें अभी आपको बताई, नाभि का जो प्रोपोर्शन होता है, नाभि से 4 उंगल ऊपर, नाभि से 4 उंगल नीचे, इतना जो आपका पूरा का पूरा स्पेस होता है वो वर्गो साइन ही अपनी पकड़ में रखता है। यहाँ केतु बैठा है, इधर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी फाइन ट्यून प्रॉब्लम को पकड़ने की कोशिश करिए, एग्जैक्ट प्रॉब्लम। लिब्रा नीचे नाभि से 4 अंगुल छोड़ के जो नीचे का प्रोपोर्शन होगा कमर तक का, वो सारा प्रोपोर्शन होता है लिब्रा का। तो राशि को थोड़ा बता भी देता हूं मैं, 1 नंबर राशि जो है वो आपके हेड को रिप्रेजेंटेट करती है, यहां से लेके यहां, आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही, नाक में कोई प्रॉब्लम हो रही, ईयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ सर से लेके थोड़ी तक जो भी प्रॉब्लम होगी आगे पीछे दाएं बाएं, ये सब एरिस साइन की तरफ से। आपका पूरा का पूरा जो ये नेक प्रोपोर्शन होता है ये टॉरस पे आता है, शोल्डर से लेके हाथ तक, इवन उंगलियां तक, ये सब आपके इसमें आता है केतु के प्रोपोर्शन। आपको बताऊं जब किसी के चार्ट में केतु बैड पोजीशन पर बैठा होता है, जिस राशि में बैठता है उस राशि से रिलेटेड अंग भी कटवाने पड़ सकते हैं। किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो
जहाँ पे मशीन का काम है, ब्लेड मशीन का काम है, केतु 3 नंबर राशि में बैठा है, वहां जल्दी जल्दी कपड़ा डालना है, काट के निकालना है, तो उंगली भी कट सकती है, हाथ कट सकता है, ऐसे सिचुएशन में जाने से बचे। आपको एक बात और बताता हूँ, केतु जहाँ हो और राहु जहाँ हो, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई रिस्क नहीं लेना। इतने डिटेल में कोई जाएगा नहीं, उस चीज से रिलेटेड आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पूरा पार्ट हटाता है, पूरा हाथ चला जाएगा उसमें। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे फिजिकल वर्क करते हैं ना कुछ लोग, तो उनको पहले ही सचेत कर दो, या ऐसा कोई काम ना करना जिसमें शरीर को कोई बहुत बड़ी क्षति हो सके। और मैंने एक को बोल दिया था ऐसे, क्योंकि आपके जब आपका एक थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और 2-4 हजार कुंडलियों को देख करके गो थ्रू हो चुके होंगे आप, तो कुछ चीजें आपके मुंह से निकल, आप देखते भी नहीं हो फिर भी आपके मुंह से निकल। मैंने एक को बोल दिया था अपनी नौकरी छोड़ दो, और उसने नहीं छोड़ा तो बीच की 2 उंगलियां कट गई। वो मशीन था, उसी में काम करता था, और उसका जेमिनी में केतु बैठा था। मैंने कहा भाई केतु खुद फिंगर्स हैं, 3 नंबर राशि है, हाथ पोर्शन। मैंने कहा जो नौकरी कर रहे हो आपके लिए रिस्की है, छोड़ दीजिए। माना नहीं, प्रकृति ने खुद छुड़वा दिया। और उस ऑनर ने इतनी बदतमीजी करी, इवन मेरे को फोन तक करवाना पड़ा बहुत बड़े अधिकारी से, इतनी बदतमीजी कर रहा था, इलाज तक के पैसे नहीं मिला। और इवन यहां तक डिक्लेयर कर दिया हमारे स्टाफ ही नहीं है, काम ही नहीं करने नहीं आए। इतना तो कोई रफ नहीं हो सकता। जब मैंने कॉल वॉल करवाई तो थोड़ा उसका काम बन गया। तो ये चीज हो सकती है, जहां बैठा हो उस चीज को लेकर के खतरे में नहीं जाना। खतरों के खिलाड़ी नाम सुना है? बस वहां खतरा नहीं दिखाना, वहां पिताजी नहीं बनना है, वहां इज्जत का सवाल नहीं है, वहां अपनी बचानी है। कुछ लोग चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाने दो भैया, आप यहाँ कुछ लपड़ा नहीं। श्री कृष्ण की कुंडली देखना, और जब वो रुक्मणी का हरण करने गए थे, और रुक्मण जो उनका भाई था, उसने घेराबंदी करी, कृष्ण पर आक्रमण करने की कोशिश करी, युद्ध तक का आमंत्रण दे दिया, तो भगवान श्री कृष्ण वहां रुके नहीं, वहां से भाग ली। केतु भाग लेने का काम है, भाग लेने का नहीं। एक होता है भाग लेने का मतलब क्या होता है, एक भाग लेने का मतलब क्या होता है भाई, आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, भाग लेने जा रहे हो, इन्वॉल्व होने जा रहे हो, और एक होता भाग लेना मतलब रन अवे। हम लोग कहते नहीं भैया आप इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो केतु अगर बैठा हो तो वहां भाग मत लो, भाग लो। रन अवे, चार्ट देखना, कृष्ण जी कितनी एस्ट्रोलॉजी मानते थे, मैं ये सोचता हूँ। है ना, तो वहां पे क्योंकि केतु फिर इमेज भी है, तो लोग चढ़ाएंगे, लोग क्या बोलेंगे आपको, कितने बड़े राजा, कह रहे आप यही लड़ाई झगड़ा करना बच्चा है, फिर तो हम चक्रवर्ती सम्राट हमारे नारायणी सेना के आगे सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहा यहाँ निकलो, पहले रुक्मणी जी को भगा के लेके चले गए थे। ये होता है, ये सिचुएशन। आगे वर्गो, वर्गो बता दिया, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट एग्रीकल्चरर हो सकते हैं, और लैंड कुछ ना कुछ हो सकता है। टॉरस लिब्रा, डिस्टर्बेंस इन सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल के केस में और प्रॉब्लम हो सकती है, होगी ये नहीं, अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो उस पर ध्यान जरूर, ठीक है। मैं आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूं, होगा वो नहीं बता रहा हूं। मैंने प्रीवियस क्लास में एक बात बोली थी, हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि किसी भी एक चीज को कंफर्म करने के लिए कम से कम 4 जगह से हाँ चाहिए होती। एक प्रधानमंत्री को भी अगर कोई बिल पास करवाना होता है ना, तो
कई लोगों के साइन लगते हैं, और लास्ट में राष्ट्रपति को भी साइन करना पड़ता है। पता है आपको? नहीं पता है? ये ऐसा कुछ होता है कि हमने डिसीजन ले लिया और हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा। होता है? नहीं होता है? आप जिस एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हो, किसी एक चीज को सुन के देख के थोड़ी आपको एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तक आ जाओगे। प्रेडिक्शन देने का मतलब बहुत कैलकुलेटेड होके देना पड़ता है। तो ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंटेट कर रही है, ना कि प्रेडिक्शन को। तो इसको लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। सर आपने बोला था मेरे तो ये प्रॉब्लम है नहीं, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी फॉल्ट है। आपके लिए अप्लीकेबल उस फेवर में नहीं कर रही, क्योंकि आपकी अभी बुद्धि है ही कितनी, आपकी कितनी बुद्धि, कितना ही सोच पाओगे? अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे हो। आप में से कुछ लोग बहुत ज्ञानी भी हैं, लेकिन कितनी बुद्धि है? बुद्धि जितनी है उतना ही तो सोच पाओगे, तो फिर उल्टा पुल्टा सोचोगे। अभी इतना समझो कि होगा तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्शन पे भी आएंगे। और अगर मेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होगा, तो उनको प्रेटेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। डिजायर बहुत रहता, अनसेटिस्फाइड रहते हैं ऐसे लोग जिनका केतु सेवन साइन है। बेड प्लेजर पूरा नहीं ले पाते, आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। यहाँ पे सात नंबर राशि इस बात को भी इंडिकेट करती है, हो ना किसी के साथ, क्योंकि यहाँ श्योरिटी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मे बी प्रोबेबिलिटी है कि ग्रैंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं केतु और सेवन साइन में आ जाए तो वुमेनाइजर हो सकते हैं। वुमेनाइजर, अब इसको नेट पे सर्च करना, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, इसको इंग्लिश में दिक्कत लगे। वुमेनाइजर ये हो सकता है, भगवान ना करे हो, और ये आवश्यक भी नहीं, प्रेडिक्शंस में आता है और ऐसा देखने को भी मिला है मेरे को, इसलिए बता। फीमेल्स हैव बैड ड्रीम्स, औरतें हैं अगर उनके चार्ट में सात नंबर राशि में केतु बैठा है, ऊट पटांग सपने आते। अगर सात नंबर राशि में केतु बैठा है, ऊट पटांग सपने आ रहे हैं, शमी पत्र 43 डेज तक कंटिन्यू भगवान शिव को चढ़ाइए, बुरे सपने आने बंद हो जाए। उसके बाद भी अगर बुरे सपने आ रहे हैं, किसी तांत्रिक से संपर्क, कोई ईविल स्प्रिट या किसी आत्मा के आप टच में हो, इस बात पहले नहीं जाना है। पहले 43 डेज आपको शमी पत्र चढ़ाने हैं भगवान शिव। शमी पत्र ही क्यों बोला? क्योंकि शमी पत्र जब आप देखोगे ना, तो एक डाल में कई टुकड़े होते हैं, उस टुकड़े में कई टुकड़े होते हैं। ये शमी पत्र जो है वो केतु की एग्जैक्ट रेमेडी है स्वप्न दोष को निवारण करने के लिए। एक बात मैं आपसे बोलूंगा जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को बहुत ध्यान रखिए, और उनमें ऐसे फंडामेंटल्स को हम रिवील करेंगे, ना तो आप कहीं सुने होंगे, ना पढ़े होंगे, और ना कोई बताएगा, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत एडवांस लेवल पे बात करूंगा उसमें। और इवन मैंने प्रीवियस क्लास में भी बात नहीं करी थी उस विषय को, करने के मूड में था, लेकिन हमारी क्लास जो है वो थोड़ी सी मैं कर नहीं पाया। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? और लिख लीजिए इसी में तो चार छह चीजें और। ऐसे लोगों को जिनकी फीमेल के चार्ट में अगर केतु सात नंबर राशि में बैठा है, तो ऐसे लोगों को ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि मेरे बगल में कोई बैठा है या मेरे बगल में कोई सो रहा है। तो अगर ये केवल लग रहा है तो 43 डे में गायब हो जाएगा, और नहीं तो होगा। नहीं तो होगा और 100% होगा।
और पिशाचों के क्रम में अगर मैं आपसे बताऊं तो कुछ इस प्रकार के प्रेत या पिशाच होते हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी करते हैं जिनके पीछे वो पड़े होते हैं। तो अगर कोई फीमेल ऐसा बोल रही है और उसका केतु 7 नंबर राशि में बैठा है, इसका मतलब 97% तक ये सिचुएशन कंफर्म है। मैं यहाँ पे शमी पत्र इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो केवल भ्रम होगा, केवल भय होगा, तो वो खत्म हो जाए, और वो अगर कंफर्मेशन होगा तो नहीं खत्म होगा तब तक जब तक आप उसकी प्रॉपर रेमेडी नहीं लो। और उसकी रेमेडी हमारे पास नहीं है, तांत्रिक के पास नहीं है। एक मंत्र जप आप कर सकते हो, ओम भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ऐसा करने से जब तक आप इस प्रॉब्लम से रेजोल्यूट नहीं हो जाओगे तब तक वो आपके एकदम नियरेस्ट नहीं आ पाएगी वो आदमी। चीजों को वैसे मैं तंत्र ज्योतिष में मेनली पढ़ाता हूँ, लेकिन अब बात चली है तो मैंने आपको बता दिया। केतु 7th में पड़ा है, एस्ट्रोलॉजर ढूंढता रहेगा कहाँ से प्रेत आ गया, कहाँ से ये प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम दिखती नहीं है क्योंकि केतु क्या हिडन है, दिखेगा नहीं। केतु हिडन है ना, और 7th राशि रैंडम पर्सन की भी है। तो कोई हिडन रैंडम पर्सन हो सकता है जो आपको फिजिकली सेक्सुअली हैरेसमेंट में लेके जा रहा हो, और ये चीजें लिटरली होती हैं। अगर आपको इस पर ज्यादा बिलीव नहीं है तो ये लिटरली होती हैं ये सब चीजें। और अगर रियल किसी को सच में साक्षात देखना हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं टाइम निकालूंगा, मेरे टाइम का पैसा देना पड़ेगा, और मैं आपको डायरेक्ट केस स्टडी दूंगा, फीमेल से आपको सीधे रूबरू कराऊंगा, बैठ के बात करेंगे हम स्टारबक्स में और उनको हील करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ। वो अपने घर में जब बताती थी तो एक एक तरह की बीमारी होती है जिसमें लगता है लोगों को, जैसे मेंटल डिसीज भी होती है ना, कि जिसमें घर वालों को लगता है कि भाई ये कुछ मेंटल डिसीज हो गई है, ऐसे कैसे हो सकता है। कि जब उनका चार्ट मेरे पास आया था लगभग 16 मंथ्स पहले, मैंने उनके फैमिली को स्पष्टीकरण देते हुए बोला, तब उनको उन्होंने एफर्ट्स करने चालू किए। जब वो एफर्टलेस रहे देन डेट टाइम में मैंने फिर उनकी बहुत बड़ी हेल्प करी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, और वो अभी पूरी तरह से निकल चुके। और उन्होंने जब मेरे को अपनी आप बीती बताई थी तो मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। तभी मैं जब उन्होंने अपनी सारी चीज मैंने ऐसे बोल दिया तो उन्होंने घर में जाके बताया, जब घर में बताया वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें हो गई कि ये अभी तक मैं जिससे बोल रही थी वो सब मना ही कर रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। जब आपको कॉज ही पता नहीं होता, कारण पता नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती तो आप बहकी बहकी बातें करते। तो उसने मेरे से पर्सनल मिलने चली आई, तो मैं इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं। तो मेरा क्या है, प्रिडिक्शन दे दिया, तुम्हें करना है जो करना, हम नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी आप बीती बताई और जब मेरे सामने रोने लगी तो मैं इतना इमोशनल लेस नहीं। फिर डेट टाइम मैंने बोला तुम्हारे 1 रुपया नहीं लगेगा, मैं सब करवा दूंगा, चिंता नहीं। मैंने कुछ ऐसा प्रिवेंशन बताई, चीजें बताई, और मैंने ऐसे लोगों से कांटेक्ट भी करवाया और उसने पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट भी कर दिया। अभी उनको कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, आई हैव अ रियल एग्जाम्पल। और मैं थोड़ा सा प्रमोशन लेने के लिए, थोड़ा सा अपना वोकाल दिखाने के लिए उनके वीडियोस भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना नीच व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे को जितना चाहिए उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना। मेरे को जो बिलीव करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, ठीक है। आगे अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं, अभी प्रॉब्लम और सुनो, क्योंकि मैंने कम से कम 7-8 महीने इस पर केवल केतु 7th पे ही रिसर्च करी और ये साधारण घटना नहीं है। बैड ड्रीम्स होंगे तो इनके बगल में बैठा है ऐसा भी लगेगा, और इतना ही नहीं होगा,
बच्चे नहीं हो। और एक बात बताऊं, आपका हस्बैंड भी आपके साथ नहीं होगा ना, वो भी आप कंसीव होने की सिचुएशन में आ जाओगे और बच्चा गिर जाएगा। ये 1% ही ऐसी संभावना है। ये किसी 1% में हो सकता है, मतलब अगर बहुत चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन है तो किसी के 0.5% या 1% में। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना, प्रेत वैसी आत्माएं हैं जो कुछ भी करती हैं, शोषण करती हैं, उनका बस यही काम है। इविल एनर्जी हो सकती है, घर में हो या आपके साथ। वाइट डिस्चार्ज होने में भी प्रॉब्लम आती है, बच्चा कंसीविंग की सिचुएशन बनेगी, वाइट डिस्चार्ज ही नहीं होगा फिर। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई, आदमी के बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से पास जाता है, डॉक्टर से प्रॉब्लम की लिस्ट निकाल के देते हैं, और वो लिस्ट क्लाइंट के हाथ में या पेशेंट के हाथ में तब आती है जब वो लगभग 2 लाख रुपए के अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सारी चीजें करा चुका होता है। होता है, नहीं होता है यूजली ऐसा। इसको बच्चा नहीं हो रहा हो तो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। कुछ क्लासेस आपकी इसी पे, चार्ट देख के बता दोगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अंडे नहीं बन रहे, कि वाइट डिस्चार्ज में प्रॉब्लम आ रही है, केवल चार्ट देखना है, बोल देना और उसको बोल देना, तो 2 लाख का चेकअप करवाओ, 20,000 पहले रख दो। एस्ट्रोलॉजी यहां तक जाती है, तो ऐसे ही समय खराब करोगे मेरा, फालतू के प्रश्न पूछ के फिर हम भी भागेंगे फिर स्पीड में, तो शायद कुछ चीजें हाथ लग जाएंगी लेकिन बहुत कुछ मिस भी करोगे। स्कॉर्पियो में आओ, अब ज्यादा नहीं मानते, इतनी समझ लो, ईविल स्पिरिट घूम रहा होगा, अगर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यूट्रस स्कॉर्पियो में किडनी भी आ जाती है, टेक्टिकल्स प्रॉब्लम। 8 नंबर राशि में अगर केतु हो तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर या एनजीओ में काम करने वाले या किसी मिशनरीज में काम करने वाले हो सकते, और वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं अपनी लाइफ इन चीजों से रिलेटेड। आठ नंबर राशि में केतु हो और इन सब चीजों में आपको दिक्कत परेशानी लग रही हो, इमीडिएट एक्शंस लेने, उसको लेट गो मोड पे नहीं लेके जाना, ठीक है। एक्वारिस, टीना नारंग जी आप ठीक हैं? दिवो 2004 हैंड रेस, ऐसे हाथ हिला दो बस हम जान जाएंगे। चलिए आगे लिखिए, एक्वारिस अभी कहां, एक्वारिस आगे सेजिटेरियस, चलिए सेजिटेरियस। अच्छा, 8th साइन जो है वो हिडन का है, वहां केतु जैसा ग्रह बैठ गया तो यहां पे थोड़ा सा और चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, हिडन एनिमीज से बच के रहें। अगर आपको कोई लगे मेरा पीछा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेड टाइम में आप सतर्क रहें। एक बात और बोलूंगा, केतु इन्वेस्टिगेशन भी है, केतु इंटेंशन भी है, और केतु जो है ना
वो शक भी है, संदेह भी है, इसलिए जरूरी नहीं है हर बार प्रॉब्लम ही होगी, शक भी हो सकता है, संदेह भी हो सकता है, इसलिए उस चीजों को बहुत ऑब्जर्व करना है, बहुत समझना है, एक दो लोगों के और ओपिनियंस लेने हैं, फिर आपको किसी बड़े डिसीजन पर पहुंचना है। सेजिटेरियस, थाइस, बीन्स, आर्टिस्ट, इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रैंड पेरेंट आपके किसी फॉरेस्ट जगह से रिलेटेड रह सकते हैं, घर के आसपास कुछ जंगल या खाली चीजें हो सकती है, कुछ पेड़ ही लगी हो, झाड़ वाड़ लगी हो, ऐसा भी प्रॉबिलिटी। या घर जो हो उनका फॉरेस्ट एरिया में हो, विलेज के पास हो, ऐसा संभव हो। एक बड़ी चीज यहाँ पे ये होगी कि आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स सेल्फ मेड पर्सनालिटी होंगे, जो हैं वो खुद के दम पे हैं, तो स्वाभिमानी बहुत है। कैप्रिकॉन, नी कैप रिप्लेसमेंट पॉसिबल। केतु अगर 10 नंबर में है तो जो आपका घुटना है उसकी जो कैप होती है उसका रिप्लेसमेंट तक हो सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना देता है। या इम्प्लांट होगी, घुटना भी कभी कभी इम्प्लांट होती है, रॉड्स इम्प्लांट होती है, इसे बहुत सतर्क रहना इस केस में। स्मॉल एरिया में रहेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। एक्वारिस, यहां भी आर्टिस्ट, बीन्स, कार्फ एरिया, ग्रैंड पेरेंट थोड़े सनकी हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। और केतु जैसा ग्रह 11 नंबर राशि में बैठा हो तो व्यक्ति कभी अपनी लाइफ में पानी में डूबते डूबते बचा होगा, इसलिए हमेशा ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गहरी चीजों से दूर ही रहते हैं। क्योंकि आपने एक्वेरियम नाम सुना होगा, एक्वेरियम मतलब जानते होंगे जैसे मछलियां रखी जाती हैं, और एक्वारिस जो साइन है वो भी कुछ वैसे ही है, एकदम से खाई मिल जाएगी। ऐसे लोगों को पहले क्या करते थे कि जहां भी कहीं जा रहे हैं तो अपनी एक स्टिक लेके जा रहे हैं, पहले वहां पे नाप ले रहे हैं कितना पानी है, जब पहले पुल्स नहीं होते थे तो वो एक स्टिक लेके जाते थे, पहले गहराई नाप लेते थे फिर कदम रखते थे। तो अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन और आपके साथ ऐसी घटना घटित नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा जब पानी में उतरते होंगे तो बहुत सोच समझ के सिस्टमेटिकली एक एक कदम फूंक के रखते होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और कभी कभी फूंक के रखना तभी आता है जब एक बार आदमी उससे निकल चुका होता है चपेट से। अब एक नंबर जो राशि होती है वो इलेक्ट्रिक की भी होती है, केतु जैसा ग्रह एक नंबर राशि में बैठा है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकते हैं उसको, इसलिए बिजली से दूर रहना चाहिए। 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो, खाई है, इसलिए अगर पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो तो बहुत सोच समझ के चलाओ, पेशेंस होके चलाओ, नहीं तो आप खाई में भी गिर सकते हो। मेरे साथ एक इलेक्ट्रिक का ऐसा कॉन्सिडेंस हो चुका है कि आज भी अगर मेरे को घर का बहुत अच्छे स्विच लगे हैं फिर भी प्लास्टिक की चीज से स्विच ऑन करता हूँ अभी भी कंघी वंगी पकड़ता हूँ पंखे की बटन दबाने के लिए ये सच बात। और वो इस तरह का लगा था कि मुझे शायद भगवान ने ही बचाया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू राहु कहीं हो वहां लापरवाही नहीं चलेगी। तो अगर हो सकता है जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो कोरिलेट ना कर रही हो, लेकिन जब आप उनसे रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स को पकड़ोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। हाँ भाई, और जो यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं थोड़ा एज जिनकी ज्यादा है
उनके पास तो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ही, ठीक है। तो जल से दूर रहते हैं ऐसे लोग, पाइसेस, प्रॉब्लम इन फीट, एज पर लाल किताब जब राहु ट्वेल्थ हाउस में बैठा होता है तो ऐसे लोगों को लेदर शूज पहनने के लिए बोला जाता है, वो भी बहुत ब्रांडेड क्वालिटी के। क्यों बोला जाता है? क्योंकि फीट का एरिया है ये, व्यक्ति लापरवाह होता है जूते और चीजों को लेकर। बहुत हाई क्वालिटी पहनोगे तो फिर कितनी भी लापरवाही कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राहु क्या रफ है, रफ यूज क्या आप करोगे जहां राहु बैठा होगा वहां। और एक तो होता है रफ यूज करना, चौथे भाव में राहु बैठा हो तो घर को आप 4 दिन नहीं लगेंगे कि बड़े अच्छे फ्लैट को चिड़िया घर बनाने में। और केतु क्या करता है, चीज की परवाह ही नहीं करने देता, कोई चीज खरीद के लाए हो कहीं भी पड़ी है, समझ रहे हो बात। तो केतु के केस में क्या होता है, आप कोई चीज लेते हो भूल जाते हो, कोई चीज दिमाग में आती भूल जाते हो, और राहु क्या उस चीज को इतना रफ यूज कर लेते हो कि वो चीज खत्म ही होने की पोजिशन पर खुद खड़ी हो जाती है। तो ये जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनका अगर राहु केतु 7 नंबर राशि में बैठा हो तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी आदत पड़ेगी ना, समझ सकते हो 7 नंबर राशि में क्या क्या बता, प्राइवेट पार्ट्स, तो उससे बहुत बड़ी डिसीज बिल्ड हो जाएगी। ये एड्स वेड्स जो होते हैं ना, इन्हीं सब सिचुएशंस में होते हैं। 7-8 नंबर राशि सबसे डेंजर सिचुएशन में व्यक्ति को लेके जाती है, यहाँ पे राहु केतु की जब प्लेसमेंट होती है। तो अगर केतु बैठा है बेटे के चार्ट में तो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दीजिए। राहु अगर बैठा है तो भी बहुत ध्यान दीजिए। और अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में बोलोगे हमारा लड़का तो बिगड़ गया है, गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। लिखिए, प्रॉब्लम इन फीट, ये लिबरेशन की राशि है। ऐसे लोग जिनके चार्ट में केतु 12 नंबर राशि में बैठा हो, भाई साहब इनको कभी अकेले छोड़ना नहीं है। ये अगर अकेले में हुए, आइसोलेशन में चले गए, सेपरेशन में चले गए तो ये सुसाइड तक कर सकते हैं। अच्छा, सुसाइड जब होती है तो कैसे होती है? या तो आदमी नस काटता है नीडल से, या तो पंखे में झूलता है रस्सी से, सुसाइड तो इन्हीं सब चीजों से करता है ना, या रेल की पटरी में चला जाता है। ये सब केतु हैं, सुसाइड बिना केतु के होगा ही नहीं। अगर आप अपने नस काट रहे हो तो वो भी आप चाकू से काटोगे, फांसी लगाओगे तो रोप से लगाओगे, वो भी केतु, चाकू भी केतु। ट्रेन की पटरी पे जा रहे हो तो पटरियां जो हैं वो भी केतु। सुसाइड बिना केतु के होता ही नहीं है, और ये बैड पोजीशन है पाइसेस में केतु का होना। या तो व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक होगा, और अगर वो टेंशन में आ गया, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ा जाता। और इस बात की भी अच्छा एक चीज और होती है, और कैसे सुसाइड होता है, बहुमंजिली इमारत में चढ़ गए और वहां से कूद गए तो गड्ढा जो आपके सामने आया है, अब ऊपर चोटी पे खड़े हो वहां से जो कूद रहे हो, तो वो भी तो गड्ढा ही है, वो भी तो केतु हो गया। और क्या क्या सुसाइड हो सकता है किसी तरह से?
यही सब चीजें होंगी सोसाइटी के लिए। बाकी तो फिर अगर कोई ये कह रहा कोई बम बांध के 10 लोगों के बीच में चला आ रहा है पाकिस्तान के कहने पे, आईएसआई के कहने पे, वो तो फिर राहु हो गया, क्योंकि वहां पे डर, दहशत, लालच, जबरदस्ती, वो तो जबरदस्ती ये कराया जाता। लेकिन सोसाइटी केतु के बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चार्ट्स में कि कौन लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं। मेरे को आपसे ज्यादा आपसे जुड़े हुए क्लाइंट को सही मार्गदर्शन मिले ना, उसकी चिंता है। इस पृथ्वी पर जिन लोगों का विश्वास एस्ट्रोलॉजी को लेके उठ गया है या आगे उठ सकता है, मैं उसको फिर से पुनरुद्धार करने के लिए आप सबको बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई चीज आपसे बचेगी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नंबर्स कम आ गए, घर वाले ऐसे बोल दिए कि, ये सब भी कॉम्बिनेशन आप चार्ट में देखो। और देखते ही बोलो पेरेंट्स को, भाई अपने बच्चे को लेके इस मामले में बड़ा सतर्क रहिए। 12 नंबर राशि में केतु बैठा हो और व्यक्ति टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, और आपको लगे कि सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, डेड केस में उसे अकेला नहीं छोड़ना, ध्यान रखिए। सफल भी होते हैं ऐसे लोग सुसाइड करने, इसलिए बोल रहा हूँ। आगे लिखिए, हर क्लास आपकी जो है ना वो मूवी का मजा देने वाली है। तो लेना, लोग तो ऐसा डालने लगे सर आप तो पूरी पिक्चर डालते हो, 2-2 घंटे की वीडियोस यूट्यूब पे। आगे लिखिए, तो इन सब चीजों के थ्रू व्यक्ति जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते। और केतु मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 12 नंबर राशि इन्वेस्टमेंट है, और केतु खुद टेंपल और मंदिर को रिप्रेजेंटेट करता है। तो आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कोई मंदिर वगैरह का कंस्ट्रक्शन खुद करवा सकते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अब देखो मैं चीजों को कैसे अलाइन करता हूँ। अभी यहाँ पे केतु की बात थी तो रिलेशन मैटरनल ग्रैंड पेरेंट का आ गया, राहु की बात होती तो मैटरनल पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स की बात होती, सन की बात होती तो फादर या बेटा आ जाता, मून की बात होती तो मदर या पहली बेटी आ जाती, वीनस की बात होती तो स्पाउस आ जाती। चीजों को अलाइन करना सीखो, जो मैं बोल रहा हूं वही केवल सच नहीं, आपके अपने भी कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकती है, आपकी अपनी भी कुछ चीजें हो सकती हैं। पढ़ने का मतलब जानते हो क्या, कि आपको एक लॉजिक पता चल जाए कि चीजों को कोरिलेट कैसे करते हैं और चीजों को करके उसके प्रेडिक्शंस कैसे निकलते हैं। पढ़ने का इतना ही लॉजिक। एस्ट्रोलॉजी को ना तो हम पूरा पढ़ा पाएंगे और ना तो आप मेरे से पूरा पढ़ पाओगे, हम केवल लॉजिक टू लॉजिक ही खेल पाएंगे। अब इसमें और आपको 4-6-10 लाइनें ऐड करनी है भी कर सकते हो। आपको मैंने सारे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं, सारी राशियों के एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं, सब आपके सामने, थोड़ा सा उनमें डूबो। ऐसा थोड़ी है कि हर क्लास में बैठ गए, होमवर्क तो करके आओ घर से, जो पुरानी क्लास पढ़ाई है उसको पका लोगे ना, इनमें प्रॉब्लम होगी नहीं, लिटरली नहीं। लेकिन आपको करना क्या, क्लास लेनी है, फिर कहोगे सर ये समझ नहीं आ रहा है। दिक्कत यही है ना कि आप मेरे को सुनने तो बैठे हो लेकिन मुझे सुन नहीं रहे हो।